यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये माइनक्राफ्ट की सीरीज होगी एपिसोड 1x1। जब तक हम एंडर ड्रैगन को नहीं हरा देते और गेम का समाप्त नहीं करते तब तक। तो आपको पता होगा इस गेम का समाप्त एंडर ड्रैगन से होता है। तो चलो, और गाइस अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, या फिर आपको मेहम भी अच्छा लग रहा था मेरा तो बिना कुछ वक्त जाया किए। ये मेरा माय वर्ल्ड तो ऐसे ही है, फटाफट से हम नया वर्ल्ड बना लेते हैं। क्रिएट वर्ल्ड, हाँ क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तुम्हारे वर्ल्ड का नाम हम रखने वाले हैं ड्रीम लैंड। यार हमारे सपनों का नगर है तो सपनों का ही होगा ना। और गाइस इस गेम के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, वैसे मैंने थोड़ा बहुत देखा है। तो इसमें मुझे ये पता है, सबसे पहले हमें भेड़ों को मारना है और फिर वुड इकट्ठा करके एक घर बना लेना है। और ये इन्फाइनाइट क्या, ये ओल्ड समझ में नहीं आ रहा, तो इन्फाइनाइट ही रखते हैं। और गाइस वर्ल्ड टाइप इन्फाइनाइट छोड़ो, यहाँ पे सीड टाइप है कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, समझ नहीं आ रहा। हम स्टार्ट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करी जाए, क्योंकि गाइस खूब लोगों को माइनक्राफ्ट अच्छा लगता है। और ये एंड्रॉयड वर्जन है, पीसी वर्जन नहीं है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक जंगल में उतार दिया गया है, और इसको पहले हम भेड़ ढूंढते हैं। बहुत सारी भेड़ ढूंढूंगा, इतनी भेड़ ढूंढूंगा, बहुत भेड़ मारूंगा, तीन ही मारनी है वैसे मुझे, ज़्यादा चाहिए ना। अरे यार कहाँ हो रहे यार भेड़ो, तो गाइस आ जाओ। पता नहीं गाइस ये भेड़े हैं कहाँ। क्या मैं पहले अपने घर की सोचूं? घर का सोचने का कोई मतलब नहीं है, फिर रात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यही अगर हमारे पास बेड होगा तो रात बहुत छोटी होगी, 3 से 4 सेकंड की। तो पर एक भी भीड़ नहीं दिख रही मुझे, उधर कुछ तो दिख रहा है, जा के देखता हूँ। वाइट वाइट क्या वो भीड़ है? जी हाँ गाइस, एक भीड़ तो मुझे मिल गई, दो भीड़ मिल गई। चलो गाइस, जो भेड़े होती है ना ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है इस गेम की। तेरी भैंस के टांग, रुक रुक है? तेरी ऐसी की तैसी, और रुक जा भी, तेरे को बताऊँ बहन जी मुझे आपका ओल चाहिए। ओल क्या यानी वोल चाहिए, मेरा वोल वेस्ट करवाती है? कितनी बदमाश है तू, हाँ शांति से मान जाती तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं, पर ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। सॉरी मेरी भेड़ो, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें पालूंगा और तुम्हें खाना खिलाऊंगा और फिर तुम्हें मारूंगा, क्योंकि घर भी बनाना होता है। और ये घोड़ा है, अगर मेरे पास सैडल और लीड होती तो मैं जल्दी से पालता। और गाइस आप सोचोगे मुझे ये सब कैसे पता है, मेरे को टेक्नो गेमर्स, जी हाँ उनका पीसी गेम है, वो भी माइनक्राफ्ट का बहुत लेजेंड है। और बीस्ट बॉय शो, मिट पैट, लाइव इंसान, क्या कहने क्या इनके माइनक्राफ्ट के करियर का। तो गाइस फटाफट से हमें चल जाते हैं माउंटेन के ऊपर, क्या पता वहाँ पे। अरे यार ये ऊन की ऐसी ऐसी बड़ा दिमाग खराब करे, अब डायरेक्ट इस पर जंप, ऊपर 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 ऊपर। मेरे को सही बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई भीड़ नहीं दिख रही, भीड़ दिख जाए तो मैं वो रही। दिख गई गाइस, तू नहीं बचेगी। अरे ये माइन है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं देखा कोई माइन होगी, पर अभी हमें माइन की नहीं सोचनी है। ए तेरा ऊन देना बाबा, देना रे बाबा, मर क्यों नहीं रही रे तू? आप सोचोगे मैंने स्वॉर्ड क्यों नहीं बनाई या कुछ और, क्योंकि मेरे को इस चीज़ में सबसे सही ये लगता है कि पहले हम अपना खुद का एक बेड बना लें। आप देखो भेड़ ही भेड़ मिल रही है, देखो वो रही, पर मैं मारूंगा नहीं, मेरे को अभी बेड भी बनाना है गाइस। और फिर हम एक आलिशान, अभी तो नहीं यानी 4th या 5th एपिसोड तक मेरा एक आलिशान घर खड़ा होगा जो मेरा खुद का होगा। गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त टाइम वेस्ट के।
और ये अपने मरीजों के हाथ, भाई इसका हाथ पहुंच भी नहीं रहा है। ओ भाई ये कुछ भी नहीं, अभी गेम वाले कुछ भी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और अब इस वुड से हमें बनाने होते हैं वुड प्लैंक्स। तो गाइस जिस जिस को नहीं आते हैं ना, मैं वो भी सिखाने वाला हूँ आपको। और भेड़ को मारना तो आप सीख चुके हैं कैसे मारना होता है, उस पर बार बार आपको टैप करना होता है फिर वो मर जाती है। ये घर मुझे सही लग रहा है, एक क्राफ्टिंग टेबल के थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ ये सही। तो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, वो वैसे ग्रीन हो जाएगा देख लो। और फिर ये जो आपको यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का लकड़ी का जो भी है, ये क्राफ्टिंग टेबल होता है, तो ये देखो ये, हाँ जिस पे मेरा वायर, इस पे जाना है और वुड को आपको वुड प्लैंक्स में बदलना है और यहाँ पे आना है और बेड में बैठ क्यों नहीं। ओ मेरे को पहले ये क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं क्या पागल हो रहा हूँ क्या भाई। क्राफ्टिंग टेबल एक बनाएंगे और अब इस क्राफ्टिंग टेबल में सबसे पहले बनाएंगे हमें एक बेड। अब हमें स्टिक्स बनानी है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा एक बेड बन चुका है। और ये देखो आपको यहाँ पे स्टिक्स भी मिल जाएंगी बेड वाले कॉलम में ही, तो स्टिक्स भी आपको बना लेनी है थोड़ी बहुत। फिर पिकैक्स बनानी है, एक्स बनानी है, ये होंगे हमारे वुड वुड के टूल्स। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, मैं क्या हो क्या रहा है आज मुझे। चलो अब हम अपने रात के एक शेल्टर की सोच लेते हैं। खैर शेल्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बीच रास्ते में भी सो जाऊंगा, अगली रात को देखेंगे हम शेल्टर का। तो गाइस शेल्टर बनाने के लिए हमें अभी ये बकरी मेरे पास बार बार सामने क्यों आ रही है, तुझे मरने का ज़्यादा शौक है रे हैं पागल भेड़। तेरे को अभी मैं बताऊँ और तू, तुम लोगों को मेरे सामने ज़्यादा आ रहा है शौक ज़्यादा। अब हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाके हमें एक वो कॉल, लेकिन अभी हम इसे कभी नहीं कलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास स्टोन की पिकैक्स नहीं है। ओ नहीं नहीं नहीं, ख़राब हो जाएगा ये कॉल, कॉल बहुत काम आगे आने वाला है। चढ़ जा रहे मरीज, ये मरीज ही है मैं तो बता रहा हूँ। ये कॉल देखो कितना सारा कॉल है इधर, 4 कॉल है, इसमें बहुत सारा खाना पक जाएगा। और स्टोन भी बनाना होता है गाइस, क्या बताऊँ। पहले तो हम यानी एक आलीशान बनाएंगे, वो लकड़ी का ही बनाएंगे, फिर धीरे धीरे कॉल जमा करके उसको मॉडिफाई कर करके ब्रिक्स का कर देंगे। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, आप भी बता देना क्या आपके हिसाब से कैसे। पर गाइस मेरे को तो यही सही लग रहा है, पहले हम चढ़ना, अच्छा ऊपर का तोड़ना होगा पहले हमें, तो हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे बहुत सारा स्टोन इकट्ठा करेंगे। तो फटाफट से हम ये सारा स्टोन तोड़ लेते हैं। और स्टोन तोड़ेंगे, तोड़ते ही रहना है आपको स्टोन। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे स्टोन तोड़ लिया, पर और भी चाहिए होगा मुझे, इतने से स्टोन से तो हलवा ही ना बने। और स्टोन का हलवा, सॉरी गाइस हलवा क्या, यानी इतने से स्टोन से तो हम अपने टूल्स वगैरह बनाएंगे आगे जाके, आगे क्या नेक्स्ट एपिसोड में ही बना दूंगा मैं। इस एपिसोड में अभी लाइन वाइज लाइट चलते हैं, तो पहले वुड के फिर आयरन के, शायद 3rd एपिसोड में शायद। तो गाइस मेरे पे मत आ जाना, हाँ आपने बोला था बनाओगे पर बनाए नहीं। ये सीप, रुक तेरे को अभी मैं बताऊँ, है रे दिमाग दिमाग है कि नहीं है, तुम लोगों को मन हो रहा है और मेरे सामने चले आ रहे हो हैं नहीं।
और इस गेम में आप फार्मिंग करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड गेम है ये, मैं तो यही कहूँगा। फर्स्ट एपिसोड में तो मैं बस गेम के बारे में ही बताने में लग रहा हूँ, तो क्या करूँगा, इस गेम ही ऐसा है। पर मैं पहले तो अभी स्टोन तोड़ने में ज़्यादा वो ध्यान दे रहा हूँ, और इस भेड़ को तो मैं मारूँगा। इस ये भेड़ तो मेरे साथ पिटने वाली है। मेरे को नहीं, क्या घूर रही है रे, क्या घूर रही है, हैं मेरे को घूरेगी, घूरेगी मेरे को घूरेगी, तू इतनी बड़ी हो गई। मैं एक्स पिकेक्स, हाँ पिकेक्स ले लिया, मैं पागल रहा हूँ, तो फटाफट से मैं तोड़ते रहना। देखो गाइस, एक्स काम आता है वुड तोड़ने में, पिकेक्स काम आती है स्टोन तोड़ने में, और ये हमारे घर के बाहर पता नहीं कौन है बाइक के, बहुत अगर आपको आवाज़ आई हो तो सॉरी, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं देखो गाइस, इतना सर 35 तो इतना बहुत होगा घर बनाने के लिए, नहीं ऐसे ही यानी शुरू का थोड़ा बहुत। शाम से कभी तो नहीं होने वाली, अभी तो नहीं हो रही वैसे शाम। और चलो भाई, ये फ्लावर बाद में कभी तोड़ेंगे हम, इससे हमारा ब्लू डाई बनेगी। तो ये गेम क्या और देख सकते हैं, शाम हो गई क्या? हाँ मुझे लग रहा है शाम हो गई। हाँ गाइस शाम हो गई, जल्दी से मेरा बेड निकालो, बेड यहाँ पे पटक दो और अब सो जाओ। सो जाते हैं हम, अरे सोना पागल इंसान, सो जा, अरे सो जा, अरे सो जा रे, अरे यार ज़ॉम्बीज ना आ जाए फिर ये सोएगा भी नहीं। अब सोएगा, अब सो जा, तो देख सकते हो आप सो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड डे, और मेरे आस पास कोई मॉब नहीं। और ये रात को होता ना तो भाई मॉब्स, ज़ॉम्बी, स्केलेटन, ये तो मेरे को ऐसा मारते हैं जैसे पता नहीं क्या है। मैं तो बच्चा हूँ ना, इनका खाना हूँ मैं तो। और यहाँ पे एक नहर नदी सी है, ये क्या है छोटी सी नहर, ये तो आज बहुत पिटने वाली है। मेरे को घूरने क्यों आ जाते हो तुम? और जैसे स्वॉर्ड निकालता हूँ वैसे भागते, तू भी मेरे घर के आसपास दिख मत जाना। भाग लिया है, इतनी बदमाश बन गई। मैंने कुछ कह नहीं रहा था, फिर भी नहीं, फिर भी पंगे लेने ही ना मुझसे, तो लेने तो लो। मना कौन कर रहा है, तो गाइस और आगे चलते हैं। तो गाइस यही थी कुछ आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप माइनक्राफ्ट की और आगे की एपिसोड देख पाएँ। तो अगर आप, मैं वापस आपसे सजेशन मांग रहा हूँ, अगर आपको माइनक्राफ्ट अच्छा लग रहा है तो मेरे को बताओ, मैं कंटिन्यू करूँ। यानी आज के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे कल।